सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये है एक नए गैजेट की जो मैंने ख़रीदा है अभी। और क्योंकि मेरा जो पहला मोबाइल है सोनी XZS, जो आपने ये देखा था, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक दो वीडियोस हाउ इट परफॉर्म, वो आज की डेट में भी ऑसम परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। पर थोड़ा पुराना हो गया है, थोड़ा सा हैंग होने लगा है और थोड़ा सा उसमें बैटरी का इशू था। प्लस क्या है कि मैं बहुत सारे गैजेट्स भी यूज़ करता हूँ, कि जैसे आने वाले ट्रिप पे मैं आई विल बी यूजिंग ड्रोन ऑल्सो, तो उसके लिए भी मेरे को मोबाइल चाहिए होगा। फिर गाने भी सुनता हूँ, वो भी मोबाइल चाहिए होगा। कभी कभी बीच में जो आपका मैप होता है, गूगल मैप्स, वो भी यूज़ कर रहा होता हूँ, फोटोज़ भी खींच रहा होता हूँ, तो बैटरी बहुत लोड है उसके ऊपर। सो उसको चार्ज वार्ज करने में इशू रहता है। तो एनीवे, तो अभी जो मैंने नया ख़रीदा है वो है MIA 3। ये कल सेल पे था और अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो मैं फ़ोन ढूंढ ही रहा था कि आपका कि कौन सा खरीदूं कौन सा खरीदूं। बहुत महंगा भी नहीं ख़रीदना था मेरे को, और पर ऐसा भी ख़रीदना था कि जो मेरे ट्रिप्स पे यूज़ हो जाए, जिसकी स्पेसिफिकेशंस ऐसी हों कि कैमरा एंड ऑल दैट स्टफ, वीडियोज़। सो MI का वैसे नाम तो काफ़ी है ही, खूब बिक भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और सो दिस वॉज द चॉइस। और ये जो वीडियो है और आने वाला जो इस मोबाइल के ऊपर वीडियो होगा, ये ज़्यादातर रिलेटेड ट्रैवलिंग और उसके एस्पेक्ट्स को लेके ही मैं बोल रहा हूँ और बना रहा हूँ। इट्स नॉट अ रेगुलर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ एक मोबाइल को लेके, उसकी स्पेसिफिकेशन, जैसे वो अनबॉक्सिंग होता है उस टाइप से। सो बहुत हद तक ट्रैवलिंग से रिलेटेड मेरी बातें रहेंगी। सो एनीवे, अभी हम डब्बे की बात करते हैं कि इस डब्बे पे क्या है। तो ये MIA 3 है, और जो इसके दो वर्जन्स आते हैं, एक आते हैं 4 GB विथ 64 GB आपकी स्टोरिंग, 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज, और एक आता है 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज। तो आप गेस कर सकते होंगे कि मैंने कौन सा लिया है। क्योंकि मैं इतने वीडियोज़ और फोटोज़ और इतना यूज़ होता हूँ, तो मैंने 6 GB रैम और 128 GB वाला ख़रीदा है। इसमें एक्सपेंडेबल आपका कार्ड भी लग सकता है, जो 256 GB और आप एड ऑन कर सकते हो। सो एनीवे, अगर मैं डब्बे की बात करूँ तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये वाली, मेड इन इंडिया। भाई मेड इन इंडिया है ये, ठीक है चाइनीज़ प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया है। सो ये एक थोड़ा सा ना, और इसमें लिखा हुआ है जो बाहर लिखा हुआ है, बाकी मैं बताऊंगा आपको। 48 मेगापिक्सल का AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रिपल कैमरा विद अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। उसके बाद है फास्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। तो जो इसका फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो स्क्रीन के ऊपर ही है, मतलब अलग से कोई स्पेसिफिक बटन नहीं है, ये आजकल थोड़ा इन नया चल रहा है। उसके बाद एमोलेड डिस्प्ले है कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। उसके बाद 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, ठीक है। और इसमें 4000 mAh की बैटरी है, 4000 की, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग भी दे रखा है इसके साथ। तो बहुत कूल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग में, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो फ़ोन आपने काफ़ी यूज़ किया, फिर ऐसा नहीं होता कि आपको फ़ोन पूरे दिन चाहिए होता है, कभी रात को भी चाहिए होता है, तो फटाफट चार्ज करो जिससे कि उसको आप फिर से यूज़ कर सको। तो फास्ट चार्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें है। उसके अलावा फेस लॉक है, जो आप फेस से अनलॉक हो जाता है। उसके बाद क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है इसमें, ठीक है। और बाकी एंड्रॉयड 1 है इसमें विद गूगल असिस्टेंट। सो इसमें दो मॉडल हैं, एक है 4 GB वाला रैम जिसमें 64 GB स्टोरेज है, वो है आपका 12999 का। और उसके बाद जो आपका 6 GB और 128 GB स्टोरेज है, वो है 15999 का। तो इस पे जो MRP है वो 17499 की है, और ये 15999 में आपका अमेज़ॉन पे सेल है। इसकी 12 बजे होती है, 8 बजे होती है, कभी कभी आप अमेज़ॉन पे जाके चेक कर सकते हो। तो मैंने वहीं से ही इसको ख़रीदा था, ठीक है। सो ये तो हो गई डब्बे की बात और थोड़े बहुत इसके स्पेसिफिकेशंस के। अब थोड़ा सा डब्बे के अंदर घुसते हैं, ठीक है, अंदर क्या क्या है थोड़ा सा फील लेते हैं, ठीक है। सो चलते हैं डब्बे के अंदर। इसको बाद में देखेंगे, चलो इसी को देख लेते हैं पहले। ये आपका पिन है, जो आपका बैटरी और सिम स्लॉट को खोलने के लिए। आई थिंक ये एक सॉफ्ट कवर है इसके साथ, जो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सॉफ्ट कवर है सिलिकॉन, यही बेस्ट होते हैं। गिरने पे क्या सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन यही देते हैं, क्योंकि जो हार्ड केसेस होते हैं वो उतनी प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। उसके बाद ये आ गया आपका मोबाइल, उसको अभी देखेंगे। उसके बाद ये आपकी टाइप सी केबल, ये आपका 18 वॉट का फास्ट चार्जर, ठीक है।
उसके बाद आपका और क्या है? और तो कुछ नहीं है, यही चीज़ है। हाँ, और वो नहीं आ रहा इसमें, आपका हेडफोन्स नहीं है, पर आपका हेडफोन का जैक ज़रूर है इसमें। अगर आप देख सकते हो तो हेडफोन का जैक है इसमें, और नीचे स्पीकर्स हैं, ये टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे आपका पावर का बटन है, ये वॉल्यूम के नॉब है, और इस साइड आपका बस सिम को डालने का स्लॉट है, एंड दैट्स इट, पूरा क्लीन है। और सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो हाइब्रिड स्लॉट है वो ये आप देख सकते हो, इसमें एक सिम आएगा और एक एसडी कार्ड आएगा। सो दोनों सिम आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हो, या तो एक सिम या एसडी कार्ड करो या दोनों सिम करो, ठीक है। और कुछ चीज़ें और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कॉर्नर गोरिल्ला ग्लास है इसमें 5, और जो आपका आगे भी है और पीछे भी है, और ये जो आप देख रहे हो ये कैमरा के पास जो ये जगह होती है यहाँ पे, एक कैमरा लेंस है जो इसकी हाउसिंग है, ये जो है यहाँ पे भी कॉर्नरिंग ग्लास का यूज़ किया है 5 का। सो क्या होता है कि जब कभी कभी रख देते हो तो इस पर स्क्रैचेज व्रैचेज आने का, तो वो भी आपने गोरिल्ला ग्लास 5 है। स्क्रीन इसकी एमुलेड है, सो इट्स नॉट जस्ट एच डी, इट्स एमुलेड एच डी। सो या एंड लुक्स अमेजिंग इज इंट इट, मतलब। और इसका जो पीछे है इसमें 3 कलर ऑप्शन है, आई थिंक एक जो इनको नाम देते हैं, इट्स लाइक नाम देते हैं जस्ट लाइक ग्रे, जस्ट लाइक ब्लू एंड जस्ट लाइक वाइट। तो इसमें ये पीछे वाला जो ये ग्रे है इसमें ब्लैक और ग्रे के शेड्स हैं, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ स्टफ। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बताऊं कि जैसे ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये जो सॉफ्ट होते हैं ना, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आप मेरा ये पुराना वाला फ़ोन भी देखो जो मेरा ये सोनी एक्सीएस है, इसके साथ में हमेशा ये मैं सॉफ्ट वाला ये बम्पर लगाता था। इतनी बार ये फ़ोन गिरा है ना, मतलब आप खुद नहीं इमेजिन कर सकते, चलती बाइक से भी गिर गया, और मतलब ऐसे ऐसे गिरा ना, मेरे को लगा अब कैसे बच गया, अब क्यों नहीं टूटी स्क्रीन। आई टेल यू, बहुत ज़्यादा रीज़न है ये जो आपका सॉफ्ट वाला जो ये कवर्स होते हैं ना, ये वाले, ये लगवाने से। जो हार्ड वाले होते हैं वो देखने में बड़े अच्छे होते हैं, स्टाइलाइज होते हैं एंड एवरीथिंग, बट उसमें प्रोटेक्शन कुछ नहीं होती है। ये जो सॉफ्ट वाले होते हैं ना, दीज आर ग्रेट। और एक और भी चीज़ यार, ये लोग समझ में नहीं आता मेरे को कि ये जो गोरिल्ला ग्लास जिसमें है, अच्छा अब जैसे इसमें तो 5 है, उसके ऊपर भी वो जो लगवाते हैं ना, ऊपर क्या लगवाते हैं, वो स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो जो मोटी सी एक वो लगवा लेते हैं, यू नो उसी कोई ज़रूरत नहीं है यार। ये कॉर्निंग ग्लास को कुछ नहीं होता, कोई स्क्रैच नहीं आता है, वो ऊपर से वो लगवा देते हो ऊपर, वो चटक जाती है, फिर आपको लगता है कि देखो अगर ये ना होता ना तो स्क्रीन टूट जाता है। भाई स्क्रीन नहीं टूटेगा, आपकी जो ऊपर वो लगाते हो स्क्रीन का, वो जो क्या कहते हैं उसको, जो कहते हैं ना उसको टेम्पर्ड ग्लास, जो ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं वो चटक जाता है, तो लोगों को लगता है कि यार टेम्पर्ड ग्लास चटक गया, देखो अगर ये नहीं होता ना स्क्रीन टूट जाती है। ऐसा नहीं है भाई, टेम्पर्ड ग्लास जो आप लगाते हो 100 रुपये, उसकी क्या क्वालिटी है, 100 रुपये में क्या क्वालिटी है वो, मतलब कोरिना जो गोरिल्ला ग्लास है उसको कंपेयर करो आपसे, वो तो टूट ही जाएगा, पर आपको ये लगता है कि वो नहीं होता तो वो टूट जाए, ऐसा नहीं होता, सब गिमिक है मेरे हिसाब से। एनीवे, सो ये सॉफ्ट वाला जो है जो इसके साथ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बिकॉज ट्रैवलिंग कर रहे हो तो गिरेगा ही फ़ोन, मतलब आप उधर उधर जा रहे हो और यू नो फोन गिरेगा, तो गिरने में दिस इज़ द बेस्ट सेवर जो ये सॉफ्ट वाले होते हैं, सिलिकॉन वाले। अब करते हैं फ़ोन को स्टार्ट। तड़ान, तो गाइस अब मैं हूँ जो आप मेरे को वीडियो देख रहे हो, ये मैं शूट कर रहा हूँ MI A3 के फ्रंट कैमरा से, और जो AI कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, और उसे पीछे 3 कैमरा है, वो एक 48 मेगापिक्सल का, आई थिंक मैंने पहले 12 मेगापिक्सल बोला था, पर एक 48 मेगापिक्सल का है, एक 8 मेगापिक्सल का है जो वाइट वाला है, और एक 2 मेगापिक्सल का है जो डेप्थ वाला कैमरा है। ओके, सो ये कर दिया मैंने करेक्शन जो मैंने पहले बोला था। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार इसने तो पहले गलत बता दिया। अब मेरे को ये भी नहीं पता इसकी ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, मैं सीधे आपको ये वीडियो जब डालूंगा एडिट करके तो आप अपने आप जज कर लेना, इसलिए मैं इसमें इसी के ऑडियो से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो इसका इनबिल्ट है, जिससे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाए, क्योंकि मेरे को भी एक आइडिया चाहिए, क्योंकि मैं जब ब्लॉगिंग करूंगा उधर उधर जाऊंगा, तो जब इससे करूंगा, वैसे तो कैमरा दूसरा भी है पर जब इससे भी करता हूँ कभी कभी एकदम से करनी पड़ती है उधर उधर, यू नो इस ईजी की मोबाइल से कर सको, तो इस वजह से मेरे को इसका जो फ्रंट कैमरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, क्योंकि जब ब्लॉग कर रहे होते हैं पीछे वाला कैमरा भी यूज़ होता है, पर फ्रंट जब आपको मेरे को चीज़ें कुछ बतानी होती हैं तो वॉइस कितनी क्लियर है जिससे आपको समझ में आए, और वाइड है कि नहीं, इसमें अच्छा वाइड लग रहा है मेरे को फ्रंट वाला। और जो इसका रियर कैमरा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बाद में दिखाता हूँ वीडियोज़।
और कुछ चीज़ें मेरे को जैसे आपको बताई थी, इसमें फोटो मोड है और आपका, हाँ, इसमें स्लो मो वीडियो भी बन सकती हैं। फुल एचडी में 120 FPS बनाएगा और हाफ एचडी में लाइक 720p पे अगर आप बनाओगे तो 240 FPS पे स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। उसके भी कुछ सैम्पल्स मैं एंड में आपको दिखा दूंगा। उसके बाद पेनारोमा है इसमें, उसके बाद आपका फोटो मोड है, फोटो में आप पोर्ट्रेट मोड भी है जिसमें वो पीछे का ब्लर कर देता है, उसके बाद एक नाइट मोड है वो आप सब इसमें देख सकते हो। सो गाइस, मैं एक वीडियो ऐसे हैंड हेल्ड भी बनाना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे वीडियोस काफ़ी बार बनाऊंगा मैं। सो ये भी मेरे को एक टेस्ट करना था कि चलते हुए हिलते हुए, अभी जैसे सीढ़ी चढ़ रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ, अलग अलग वीडियो लाइटिंग कंडीशंस में जा रहा हूँ तो ये उसका जो एक्सपोजर है वो कैसे मेंटेन कर रहा है। यू नो, ज़्यादा ब्राइट ज़्यादा डार्क एरियाज में जब आप सडनली जाते हो, जैसे मैं एकदम से डार्क एरिया में आया, तो जो इसका मेंटेनेंस कर रहा है ना ये पूरा एक्सपोजर, आई थिंक ही इट्स डूइंग गुड। जब मैं, क्योंकि इसमें जो आपका ऑटो एक्सपोजर है उसकी तीन सेटिंग्स हैं, सेंटर, मीटर्ड और फ्रेम एवरेज। तो अभी जो मैंने एक्सपोजर की सेटिंग कर रखी है वो फ्रेम एवरेज कर रखी है, तो आई थिंक ये बेटर है क्योंकि इसमें क्या है कि लाइट्स में किसी एरिया में डार्क है किसी में लाइट है तो उसको एक एवरेज निकाल के एक्सपोजर को सेट करता है, जिससे डूइंग अ गुड जॉब। क्योंकि ये चीज़ बहुत होने वाली है जब मैं ट्रैवल करूँगा और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज समथिंग गुड, सो ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था। सो भाई लोगों, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है आपको इस MIA 3 के बारे में। हाँ, मतलब और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है या इसकी परफॉर्मेंस या हाउ इट परफॉर्म्स इन रियल वर्ल्ड जब मैं इसको ट्रिप पे लेके जाऊँगा और वहाँ पे जो भी सब करूँगा वापस लेकर आऊँगा तो विल बी अ बेटर पिक्चर, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एंड अभी जो मेरे को देख के लग रहा है कि मतलब जो मैंने अभी फील किया थोड़ी फोटोज़ वीडियोज़ करी है, मतलब इट्स गुड। बट नेचुरली अगर मैं बात करूँ सोनी के XZS की जो वीडियो क्वालिटी है, देखो ऐसी तो नहीं है। अब वो सोनी का फ्लैगशिप, खुद का फ्लैगशिप मॉडल था XZS, और इसमें भी उन्होंने सोनी के जो सेंसर है कैमरा में वो यूज़ किया है। सो वो आप इमेजिन कर सकते हो, नेचुरली एक सोनी का इटसेल्फ एक फ्लैगशिप का अपना कैमरा और उसकी क्वालिटी तो मैच नहीं करेगी, पर ख़राब नहीं है, मतलब मेरे को ठीक लगी, पर मैं स्टिल थोड़ा सा मतलब ओके ओके क्योंकि मैं सोनी XZS की वीडियो क्वालिटी यूज़ कर रहा था, सो मेरे खुद के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं क्वालिटी को लेके। पर जो मेरे को देख रहा था अभी, जो मैंने देखी यहाँ पे अपना क्लोज्ड एनवायरनमेंट में और जो यहाँ पे शूट करा जो आपने देखा, मतलब मेरे को एक हद तक ठीक लग रही है, मतलब प्रेजेंटेबल लग रही है, इट्स नॉट, बट बाकी तो ट्रिप के बाद ही आके आपको बताऊँगा। एंड या सो मतलब वीडियो क्वालिटी को लेके मैं ऐसा सरप्राइज नहीं हुआ, पर स्टिल वही वाली बात है कि मैं सोनी XZS यूज़ कर रहा हूँ। कोई अगर एप्पल या कोई सैमसंग का S10 या फ्लैगशिप मॉडल्स यूज़ कर रहा है उसके बाद अगर कोई इससे कंपेयर करे तो नेचुरली वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइस फैक्टर भी एक चीज़ होती है। पर मैं ये चीज़ मतलब फील कर रहा हूँ कि जो इसकी क्वालिटी, अगर मैं सोनी XZS को भूल जाऊँ कि भाई उसकी कोई क्वालिटी है, तो इट्स वेरी गुड जो मेरे को अभी देख के लग रही है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं शूट वूट करके आऊँगा तो आपको ज़्यादा एक इस कैमरा के बारे में बता पाऊंगा, इस फोन के बारे में बताऊँ। वैसे एक चीज़ नोटिस करिए, आजकल जो फ़ोन है वो सिर्फ कैमरा ही होके रह गए हैं। यू नो, फ़ोन तो मतलब फ़ोन में मेन चीज़ क्या है आजकल, कोई फ़ोन में ये नहीं बात करता आवाज़ कैसी आ रही है, कनेक्टिविटी, जो फ़ोन जिसलिए फ़ोन होता है, यू नो, कैमरा कैसा है, रैम कैसी है, पबजी कैसा चलेगा, मतलब रियल टाइम पे फुल ग्राफिक्स में पबजी चलेगा नहीं चलेगा, यू नो, तो वो स्पेसिफिकेशन है। इट्स लाइक अ गेमिंग कंसोल एंड कैमरा, फ़ोन तो मतलब अब सेकेंडरी हो गया। मेरे को लगता है कुछ टाइम में इनको फ़ोन बोलना ही छोड़ देना चाहिए, कुछ और बोलना चाहिए कि फ़ोन भी एक एडिट फीचर है। सो एनीवे, ऑन दैट नोट, अभी आई से गुड बाय। आई होप कि आपको थोड़ा सा मैंने जो वीडियो अपना बनाया है MI3, आई नो कि थोड़ा सा लंबा भी हो गया है और थोड़ा सा मैंने आपको जो मेरे टिप्स दिए बीच बीच में, मैंने आपको टिप्स भी दिए थे, अगर कोई सीधे एंड में करके फॉरवर्ड करके आ गया तो बीच में भाई लोग कुछ टिप्स भी दिए मैंने, वो भी ज़रूर देखेगा। ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, इन्जॉय, और थोड़े से सैम्पल्स फोटोज़ और वीडियोज़ के अब आप देख लो कि जो मैंने खींचे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, सो बाय बाय।